लाइफ के जीपीएस से मिलाऊं तो कभी बहुत जरूरत होती है ना, काश हमारे सामने जो है जिंदगी का जीपीएस होता, फिर हमें पता होता कौन सा रास्ता पकड़ना है और किस तरफ बढ़ना है, कौन सा रास्ता नहीं लेना, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। एक्चुअली सोचा जाए तो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हमें भी पता है सही रास्ते कौन से हैं और गलत रास्ते कौन से हैं, मगर पता नहीं कभी कभी जो है हम गलत रास्तों पे निकल पड़ते हैं ये जानते हुए कि सही रास्ता नहीं है ये। इसलिए लाइफ में जीपीएस की ज़रूरत है। अब पता है आपको, एक फिल्म आई थी तीसरी कसम, उसमें वन ऑफ माय फेवरेट लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी ने एक गाना लिखा था, उस गाने को बार बार पढ़ लेंगे ना तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सी रोड पकड़नी है लाइफ के लिए और कौन सी रोड नहीं पकड़नी, इतना आसान है। इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ गाने में इस गाने होते ही नहीं। तीसरी कसम में ये जो गाना है, ये गाना तो आपको 100% पता है, लेकिन इस फिल्म को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। यानी कि जिंदगी का इकलौता सच जो है वो मौत है, आए हैं तो जाना होगा, यहाँ कोई नहीं हमेशा के लिए ठहरने वाला है। और अगर ये सच है तो ये भी सच है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला ज्वेलरी ये सब नहीं जाएगा हमारे साथ, वहाँ तो पैदल जाना है, खाली हाथ जाना है। अब अगर इतना याद रखें तो फिर तो चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। तो अगर लाइफ में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप पैसे कमा रहे हैं तो यार सोच लो, क्योंकि पैसा तो उतना ही कमाना चाहिए इंसान को जिससे खुशी और सुकून मिले, और खुशी और सुकून कितने पैसे में हासिल हो जाएगी वो तो अपने हाथ में है ना, अब उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं, अगर हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए लेकिन ये सब मटेरियल चीज़ें हासिल करने के बाद भी वो यहीं रह जाएंगी, और पैसे के दम पे अकड़ पैदा कर लेना वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर तो हर इंसान को झुकाना पड़ेगा उसके सामने। तो तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अगली लाइंस, क्या करें यार जिससे फायदा हो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, कितने लोग तो कितनी अब बुराई करते हैं फिर भी वो तो बड़े मजे में है, पल भर के लिए, पल भर के लिए, क्योंकि हमारे जो कर्म है ना उनका फल या उनकी सजा इसी जिंदगी में हमें झेलनी होगी देखनी होगी। इसलिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, बही लिख लिख के क्या होगा, ये जो हम जिंदगी का बही खाता लिखते हैं, कितना नुकसान हुआ कितना मुनाफा हुआ, किस पे हमने एहसान किया है, किससे अब जो है चीज़ें छीननी हैं, ये जो हम हिसाब किताब लाइफ का रजिस्टर में करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, सारे कर्म जो हैं उसका फल यहीं पे मिलेगा या सजा यहीं पे मिलेगी। लड़कपन खेल में खोया, अगर बचपन सारा खेलते खेलते खो दिया, जवानी सोते सोते गुजार दी, बुढ़ापा रोते रोते गुजार दिया, तो फिर नया क्या किया, ये तो बड़ा पुराना सा किस्सा है ना, ये तो देखा हुआ है। अब बचपन में खेले तो थोड़ा सीखा भी, जवानी में अगर सोए तो थोड़े जागे भी, बुढ़ापे में रोए तो थोड़े से मुस्कुराए भी, कुछ तो इस खेल को बदलिए, ये किस्सा फिर से नहीं दोहराना है। तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। कितना सही लाइफ का जीपीएस है ना।